हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये आज हमारे पास है न्यू वैगन आर आई है जो श्री मारुति ने, उसका हम देखेंगे टाइम कैसे सेट होता है। पुरानी गाड़ियों में हमारे पास दो नोब्स रहती थी, इसमें सिर्फ एक नोब्स है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करना है, इसी नोब को प्रेस करे रहना है। तो ये नोब प्रेस रहेगी तो इसमें आएगा डोर की पहले जो आती हैं उसमें क्लॉक आती है, लेकिन इसमें पहले डोर है, फिर लाइट है, फिर सिक्योरिटी है, ये फ्यूल है, ये क्लॉक है। तो इसको सेट करने के लिए फिर से इसी नोब को हम प्रेस करे रहेंगे, दबाए रहेंगे। तो ये हमारा हो गया टाइम, 3:05 आ रहा है। तो इसको देखेंगे क्या है, टाइम है हमारा 11:18 हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, देख ही चुके हैं कि अपने आप ये हट जाता है। तो 11:18 हो रहा है तो इसी को फिर से प्रेस करे रहेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे जितने बार, तो ये पहले आवर वाला चेंज होगा, ये घंटे वाला। तो 11 बजे का है तो इसको हम 11 में लाएंगे, 11 हो गया। थोड़ी देर वेट करेंगे, अब जैसे ये सेकंड में आ गया है, मिनट में आ गया है, तो फिर मिनट में आने के बाद फिर इसे हम प्रेस करेंगे। 11:18 है तो 11:20 कर दिया हूँ मिनट, और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है और ये टाइम आपका क्लॉक में सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर बैक करना है हमको, और ये आएगा एंड में आके इसे फिर से दबाए रहना है, टाइम हो जाएगा 11:20। तो आपको आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।